इंदौर शहर देश में स्वच्छता के नाम पर अव्वल दर्जा पाने वाला एकमात्र शहर है, जिसमें नगर निगम की कड़ी मेहनत के साथ साथ शहर वासियों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। लेकिन इंदौर के भावरकुआ चौराहा पर पैदल चलने वालों ने ना सिर्फ यातायात व्यवस्था को प्रभावित किया है, बल्कि इस खूबसूरत शहर की छवि को भी खराब कर रहे हैं। साथ ही साथ हर रोज इस चौराहे पर हादसे भी देखने को मिल रहे हैं, जिसका प्रमुख कारण पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा है। साथ ही सभी कोचिंग संस्थान भी इसी क्षेत्र में लगते हैं, इस वजह से पैदल चलने वालों की भीड़ देखने को मिलती है। इंदौर नगर निगम को चाहिए कि भावरकुआ चौराहे पर अगर पैदल चलने वाले लोगों के लिए एक ओवरब्रिज बना दिया जाए तो इस चौराहे की सारी समस्याएं हल हो सकती है। लेकिन आखिर नगर निगम इस ओर कोई ध्यान क्यों नहीं दे पा रही है? क्या समाचार एक्सप्रेस की इस खबर से इंदौर नगर पालिका निगम इस ओर ध्यान देगी या फिर किसी बड़े हादसे का इंतजार करती रहेगी? समाचार एक्सप्रेस के लिए इंदौर से जीवन ठाकुर की खास रिपोर्ट। जेबीडी बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एंड जेबीडी बैंक्वेट्स एंटरप्राइज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।